आज हैप्पी बर्थडे, उठो उठो आज बर्थडे है। अरे आज तो सोने दो, आज बर्थडे है तो उठो, चलो दादी का पैर छुओ, चलो पापा का पैर छुओ, चलो मम्मी का पैर छुओ, चलो दीदी का पैर छुओ, चलो दीदी के दोस्त का पैर छुओ, दीदी के दोस्त के भाई के पति का पैर छुओ, सबका तो पैर छुओ जा जाके। मतलब बर्थडे हमारा है, टॉर्चर हमारा ही सुबह उठा के, है ना। चलो चलो चलो, बगल वाले अंकल की गाय के बछड़े का भी पैर छुओ, आज तुम्हारा बर्थडे है, आशीर्वाद लो सबसे, बड़े हो जाओ। अरे काहे बड़े हो जाए, ऐसा बड़ा होना होता है तो रहन दो, ना आए बर्थडे जिंदगी में कभी। उसके बाद चलो मंदिर, अब हम लोग मंदिर जाएंगे, भगवान से भी आशीर्वाद लेंगे। चले जाते थे मंदिर, पर्सनल मोटे लड्डू, मगत का, मोतीचूर का, लड्डू के लालच से चले जाते थे मंदिर, खुशी खुशी चलो लड्डू मिलेगा, लड्डू मिलेगा। फिर वहां जाओ तो पंडित, पर हम लोग को इससे कोई मतलब नहीं है ना, मम्मी पापा को बोलना पड़ता है आंख बंद करो, ऐसे करके खड़े हुए हैं, ऐसे करके देख रहे हैं, कहा देख रहे हैं, हनुमान जी का गधा कितना सुंदर है, अरे वाह कितना सुंदर गधा, अरे वहां लड्डू, ये लड्डू वापस करेगा कि नहीं, सबसे बड़ा डर तो ये लगता है जब पंडित जी लड्डू लेके जाते हैं और चढ़ाते हैं, हम लोग का सिर्फ एक चीज पे कंसंट्रेशन होता है, कितने लड्डू निकाल के चढ़ाएंगे इसमें से भगवान जी को कितने लड्डू, अरे हनुमान जी के पास तो ऑलरेडी इतने लड्डू हैं यार, इतना तो लड्डू रखा है, मेरे में से एक आधा निकाल लेते हैं, फिर उसमें से जब वो दो लड्डू, यहाँ दर्द होता है, गया दो लड्डू निकाल के, दो लड्डू तो चढ़ गए, बचे हुए वापस आते आते फिर पंडित जी क्या बोलते हैं, इनको भी दीजिए। फिर मंदिर के बाहर लोग खड़े हो जाते हैं, एक लड्डू हमको भी, एक लड्डू नहीं, अच्छी बात है, बड़े होके सब चीज समझ में आती है, देनी चाहिए, बट उस टाइम तो इंसान बच्चा है ना, उसको लिख रहा है मेरे लड्डू बट रहे हैं और ये माँ बाप दूसरी बार नहीं दिलाएंगे, ये नहीं दिलाएंगे दूसरी बार, कहेंगे यही लड्डू बचा है इसी में खा लो सब लोग, है ना। और घर जाके भी लड्डू एक दो मिलता था, बस बेटा और नहीं, है ना, और नहीं बेटा, तबीयत खराब हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, इसको रख देते हम लोग फ्रिज में बेटा, है ना। फिर हम लोग चोरी चोरी जाके पानी पीने के बहाने ऐसे घुस के और फ्रिज के अंदर ऐसे मुंडी डाल के लड्डू खा लू, तो बाहर निकल आते थे, पता ही नहीं चला किसी को। हाँ, स्कूल में बड़ा मजा आता था, स्कूल में अलग ही उस दिन एकदम चौकाल होते थे, नए कपड़े, एक तो स्कूल ड्रेस से इजाज़त मिल जाती थी उस दिन, है ना, स्कूल ड्रेस पहन के जाना नहीं, एकदम नए कपड़े पहन के, एकदम चोमू बन, मतलब बहुत सुंदर बन के जा, चोमू बन के मतलब बहुत सुंदर बन के जाते थे, अपने हिसाब से हम लोग बेस्ट ड्रेस पहनते थे, दूसरे से बाहर से लोग देखते थे, सोचते थे फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में जा रहा है, चमकी लेकर हल्की हरी शर्ट, उसमें फूल पत्ती बने हुए, है ना, टाइट एकदम पैंट पहन के, एकदम जूता नोक वाला जूता, किसी को चुभा दो तो मर जाए, पहन के जा रहे हो, खुद को एकदम हीरो समझ रहे, और बाल ऐसे एकदम समेट के, एकदम काढ़ के, एकदम आज बर्थडे है। फिर सबसे ज्यादा वहां पे दोस्ती का टेस्ट होता था, याद है स्कूल में दोस्ती का टेस्ट, याद है कि नहीं, किसको ले जाएगा टॉफी बांटने बाकी क्लासेस में, किसको ले जाएगा दोस्ती का असली टेस्ट, 5-6 दोस्त बैठे हैं, किसका नाम लेगा आज ये मैम के सामने, किसके साथ जाएगा ये बाकी सेक्शन में टॉफी बांटने, और आप धर्म संकट में, किसको ले जाएंगे, जिसको ले जाना चाहते हैं वो तो किसी और के साथ ही जा रही है हर बर्थडे पे, और इन गंदी शक्ल वालों को कौन ले जाना चाहता है, फिर भी उसी में से किसी एक को ले जाना पड़ता है ना टॉफी बांटने, मैम कैन आई प्लीज टेक अनुराग विथ मी, कैन आई टेक तुषार विथ मी, कैन आई टेक सौमिन विथ मी, ओनली वन पर्सन, पता नहीं स्कूल वाले भी एक पर्सन अलाउ क्यों करते हैं, अरे बच्चे को अकेले भेजो, क्या है उसको कुत्ता खा जाएगा बाहर, अकेले जाने दो, टॉफी बांट के चला आएगा। और एक टीचर जरूर ऐसी होती थी जो ऐसे करके टॉफी उठाती थी उसमें से, हाँ स्कूल में थी, हम नाम नहीं ले सकते, ऐसे करके, अलग, इट्स योर बर्थडे टुडे, कम हियर, गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड, गॉड ब्लेस यू, पर्स खोल के, गॉड ब्लेस यू, पूरा भर लेते थे, लोड कर लेते थे पूरी टॉफी उसी में, और फिर हर पीरियड में टीचर आता था, इट्स योर बर्थडे टुडे, अलग, कम, जूम जूम जूम, और फिर इंटरवल में जान निकलती थी लंच के टाइम में, अब पार्टी, दोस्तों को पार्टी दो, लंच का याद है, पार्टी क्या खिलाएंगे पार्टी में, समोसा, कहां से, कैंटीन से, जहां होती है चोरी। कैंटीन में जाके खड़े हो जाएंगे, भैया 10 समोसे दो, अरे भैया हमको दो, भैया 10 समोसे, पैसा दिया तो भैया, अभी तो दिया पैसा, फिर से देंगे क्या, 10 समोसे लेके आगे खुशी, फिर वो 10 समोसा पहुंचता नहीं है दोस्तों तक, रास्ते में ही लोग घचर, बाद में पहुंचे 2 समोसे बचे हैं। कैंटीन में तो बहुत दिमाग लगाते थे लोग, खड़े हो जाते थे, अरे भैया मैं कब से खड़ा हूँ आपको, आधे घंटे से पैसे देके खड़ा हूँ, भैया कब दोगे समोसा आप, कैंटीन वाला भी प्रेशर में है, अच्छा इसने पैसे दिए आधे घंटे पहले, अच्छा ठीक है दे दो इसको, अभी आए हैं 5 मिनट पहले, वहां एकदम हाथ निकाल के, भैया आधे घंटे से खड़े हैं भैया हम, है ना, समोसों की चोरी करके फिर निकल गए समोसा खाने। और फिर उसके बाद असली धमाका होता था रात को, जो घर में आलीशान पार्टी होती थी, सिंस ऑल ऑफ यू नो दैट आई बिलोंग टू अ वेरी वेरी रिच फैमिली, सो हम लोग घर में बच्चों बहुत बड़ी पार्टी होती थी, वेरी ग्रैंड पार्टी एट आवर हाउस, ठीक है, और उसमें बच्चों हर साल बनता था छोला भटूरा खाएंगे, आज बर्थडे का दिन है, अरे मैकडोनल्ड से कुछ मंगा दो, पिज्जा मंगा दो, बर्गर मंगा दो, नहीं छोला भटूरा, हर बार वही छोला भटूरा बन रहा है।
और हमको तो लगता है घर वाले हमारी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे, वो अपना ही जश्न मना रहे थे। बर्थडे में आधे दोस्त तो उनके आते हैं, आधे रिलेटिव तो उनके आते हैं, बुआ आई है, भाभी आए हैं, चाचा आए हैं, मामा आए हैं। बचपन में कौन सा हमें प्यार होता है बुआ चाचा भाभी मामा से, जब तक वो अच्छा गिफ्ट ना दे दें। अच्छा गिफ्ट देने तो अलग बात है, पर गिफ्ट देने के बाद भी उनकी पार्टी में कोई खास वैल्यू होती नहीं है ना। गिफ्ट दे दिया सिर्फ जाओ क्या है ना। फिर हम लोग के दोस्त आते हैं सब एकदम बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के हाथ में गिफ्ट लेके, फिर हम लोग गिफ्ट लेके, मेरी बहन तो बहुत सही थी, गिफ्ट लेके अंदर जाती थी, खोलती थी, ये तुमको याद है, अरे ये गिफ्ट उसकी बर्थडे में वहां पे उसने दिया था, ये उसने वही गर्ड रैप करके चिपका दिया है। ऐसा भी होता है गिफ्ट का स्कैम, तुम लोग तो नहीं खेलते हो गिफ्ट का स्कैम। खैर फिर मेरी बहन कहती थी इस गिफ्ट को हम लोग संभाल के रख लेते हैं, इसको पड़ोसी के बर्थडे में हम लोग अगले साल चिपका देंगे वापस। और गिफ्ट दोस्तों के सामने नहीं खोलना क्योंकि चिपकाना भी तो है आगे। सो हैप्पी बर्थडे।